देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन खियारकुम उहासिनुकुम अखलाकन। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे अच्छे। तफसीलात से पहले डालेंगे एक नज़र आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली में सरकारी मुलाजमीन की सुपुर्दोशी की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के हाथे में आज टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल सुरभि वानी देवी की कार का हादसा। और राजेंद्र नगर इलाके में कत्ल की वारदात, बरसरिया दरातियों से दो शख्स ने एक दूसरे पर किया हमला। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना कानून साज असेंबली में सरकारी मुलाजमीन की सुपुर्दोशी की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज असेंबली में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के वजीफे पर सुपुर्दोशी की हद उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दिया है। अब तक मुलाजमीन की वजीफे पर सुपुर्दोशी की हद उम्र 58 साल थी, जिसमें इजाफा किया गया है। వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలను కూడా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సంప్రదింపులు జరిపి వారి అందరి సలహాలను కూడా తీసుకొని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును 61 సంవత్సరాలకు పెంచుటకు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ పెంపుదల వల్ల కూడా ఎలాంటి ఖాళీల భర్తీల విషయంలో కూడా ఎలాంటి ప్రభావం ఉండకుండా మరి ఉద్యోగస్తులకు వెంట వెంటనే ప్రమోషన్లు ఇస్తూ కింది స్థాయి ఉద్యోగులను కూడా వెంట వెంటనే ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేటువంటి ప్రక్రియ చేపట్టాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష. అంటే వేకెన్సీస్ను కూడా ఒకవైపు ఫిలప్ చేస్తూనే సీనియర్ ఉద్యోగులను మరి ప్రభుత్వం వారి యొక్క సేవల్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి మరి నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష. ఇందుకు అనుగుణంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే ప్రకటించున్నారు, రాష్ట్రంలో 50,000 ఖాళీలు వెనువెంటనే ఉద్యోగాల ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పి ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. త్వరలోనే ఈ 50,000 ఉద్యోగాల నియామకానికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క బిల్లును గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని మీ ద్వారా అప్పీల్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना कानून साज असेंबली के अहाते में आज टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल सुरभि वानी देवी का एक कार का हादसा पेश आया है। हादसे के वक्त वो कार में सवार नहीं थी। हादसे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि रुकन कानून साज कौंसिल को ऐवान के पास छोड़ने के बाद कार पार्क करने के लिए ले जाने के दौरान यह हादसा असेंबली गेट नंबर 8 के पास पेश आया। गाड़ी गनमैन चला रहा था, वहीं कमिश्नर पुलिस अजय कुमार ने गाड़ी चलाने पर रुकन कानून साज कौंसिल के पीएसओ को मौतिल कर दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के सुपुर्दोशी की हद उम्र में इजाफे को लेकर यूनाइटेड तलबा यूनियन की कॉल पर तलबा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मरकजी लाइब्रेरी से असेंबली तक मार्च का अहतमाम करते हुए एहतजाज दर्ज किया। पुलिस ने इस रैली को रोक कर तमाम तलबा को गिरफ्तार किया। इस मौके पर तलबा ने KCR की आमराना हुकूमत हमें ज़रूरत नहीं के नारे लगाए।
दिलाकर तालीमी इदारों को बंद न करने का मुतालबा करते हुए जिले नलगुंडा के एमजे यूनिवर्सिटी के तलबा ने रास्ता रोको एहतजाज दर्ज किया है। इस मौके पर तलबा ने कहा कि रियासत में कोरोना के नाम पर सिर्फ तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, जबकि दूसरे तमाम शोबे मामूल के मुताबिक बहाल रखने पर तलबा ने बरहमी का इजहार किया है। इन्होंने रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नागार्जुना सागर के इंतखाबी तशहीर में कोरोना को लागू न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। इस एहतजाज की वजह से नारकटपल्ली नामकी हाईवे पर ट्रैफिक तातुल का शिकार रही। कोरोना मामलात के बढ़ते पेश नजर रियासती हुकूमत ने तमाम तर तालीमी इदारों को बंद करने की हिदायतें जारी की। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सिकंदराबाद के पैराडाइज के करीब पीजी के तलबा ने रास्ते पर बैठकर एहतजाज दर्ज किया है। इस मौके पर इन तलबा ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम तालीमी इदारों को खोला जाए और इस तरह उस्मानिया यूनिवर्सिटी हॉस्टल के साथ साथ वेलफेयर हॉस्टल भी खोलने का मुतालबा किया गया। कॉस्मिक बिग ज़ोन सीबीजी नंबर वन है सीबीजी। कॉस्मिक बिग ज़ोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तियाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज्जा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और खास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीरमाल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तियाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कॉस्मिक बेक ज़ोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर वन बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक ज़ोन, नस्त HDFC बैंक, गोरमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर।
भाई यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम और तफसील खबरों की जानिब। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से साइकिल मोटरों व दीगर गाड़ियों की जामा तलाशी ली गई है। इस मौके पर दस्तावेजात के अलावा नंबर प्लेट और दीगर खिलाफ वर्जियों की चेकिंग की गई है, जिसके अलावा ई चालानात की अदम अदायगी पर भी गाड़ियों को जब्त किया गया है। ये सारी कार्रवाई सब इंस्पेक्टर हरिंदर की क्यादत में की गई है। मिर्जा अफजल जी, आपका नंबर बोलो। जी पैसा ले जा रहा था। सुनो आशीष, ओके सुनो, आपको आप केस बुक होगा बोलते थे, सुने साहब? हाँ हाँ स्ट्रिक्टली बताया। हाँ हाँ वहाँ देखे थे ना। हाँ भाई वही था, बहुत स्पीड से गया, इधर गया पता नहीं मार देता था टक्कर। सुबह आना बोलो। और एक क्या है तीन है हमारी जो 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 प्रॉब्लम काम आप करो, बिल्कुल सही है। थैंक यू। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में खातून ने खुदकुशी कर ली है। फिर एक बार ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी ने एक और बेटी को खुदकुशी पर मजबूर किया है। इस खातून के घर वालों ने फौरी इसे अवेसी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वहां इसे मुर्दा करार दिया गया। बरुआ के रिश्तेदारों का कहना है कि जब पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई तो पुलिस जब्ते की कार्रवाई के लिए टाल मटोल कर रही है। इन लोगों ने आला अधिकारियों से भी अपील की है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। पेशे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। मेरी बच्ची का नाम शबाना है, वो लोग मेराज पुकार रहे, वो लोग बच्ची को फांसी डालने के बाद मेरे घर को फोन करे 7 बजे, तुम्हारी बच्ची को दवाखाने में डाले देखो बोल को डाले बाद मेरे बच्चों को फोन करके बोले तुम्हारे दवाखाने में डाले करके। हम लोग आए आए तो कोई भी नहीं है यहाँ दवाखाने में, भाई मेरे बच्चे है दवाखाने हाँ, बच्ची को मरने के बाद दवाखाने में लाके डाले। आप लोगों क्या बोल के बोले, कैसा करे कैसा हो गया डेथ बोल के बोले? बोलो फांसी डाल लेके मरी बोल के बोले। कब मालूम हुआ आपको? 7:30 को मालूम हुआ। ये हुआ कब? ये 5:30 के करीब हुआ करती, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मालूम हुआ बोल रहे हॉस्पिटल वाले। 2 घंटे के बाद बोले तुम आपको बोल के बोल रहे। मेरे को 7 बजे फोन कर रहे लोग पुलिस वाले, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो दवा। एक मिनट पुश करो, पुश करो जी। मेरी बच्ची को देखो 7 बजे मेरे को फोन करे, मैं घर के काम को गई थी, मैं बर्तन धोने आए तो फोन आए तो उठाई तुम्हारी बच्ची फांसी डाले को मरी देखो, वहाँ दवाखाने में डाले देखो अवेजी अस्पताल में। मेरे बच्चे काम पे गए थे, मैं बच्चों को फोन करके बोले आपको देखे दवा कोई भी नहीं है मेरी बच्ची का, मरी है। कितने साल हो रहा शादी हो गई? कितने साल हो रहा? 14 साल हो रहा बच्ची की मेरी शादी हो गई। उसका हमारा तीनों माता था, उसका हमारा बच्चे है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। 14 साल हो रहा मेरी बच्ची की शादी हुई तो भी अभी तला खिड़की थी, परसों बच्ची आई थी तो मेरी मैं अम्मी मैं नहीं जाती बोलते रख ली थी मैं नहीं आखिरी बार है अब नहीं सता आती बोलते लोग आपको बुला लेते तो मेरी बच्ची बुला लिया तो ऐसा करे अब क्या बोले बच्ची फांसी दादी को देना। पुलिस वाले आए थे? हाँ नहीं आए हमारा कहीं, क्या एक्शन नहीं लिए कुछ भी? बोला बच्ची को मार रही थी, बोला हमारे को फोन करे अम्मा को करे, मैं अम्मा हूँ मैं बच्ची की फांसी डाल को मेरे को फोन करे तो हमारी बच्ची मरी देखो दवाखाने में छोड़ रहे देखो बोलो बोले बोले तो ना करे तो फोन उठा रहे नहीं बात कर रहे नहीं अब फोन करे तो इंसाफ होना देखो ना इंसाफी। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र आज कोरोना मुतासरीन की तादाद तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 493 मुस्बत केसेस दर्ज किए गए और
चार अमवातें हुई हैं, इससे रियासत में कोरोना के सबसे कुल तादाद 3,04,791 हो गई है। तेलंगाना के कई अजला में कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इस बीच आदिलाबाद, कुत्तागुड़म, जगतियाल, जनगांव, करीमनगर, खम्मम, आसिफाबाद, महबूबनगर, नलगुंडा में कोरोना के केसेस देखे गए। गुरमिठल में पसमानदा इलाकों की आवाम को दरपेश मसाइल के मुतालिक एक याददाश्त कर्नाटक जनसेना की जानिब से आज मकामी तहसीलदार की तवस्सुत से डिप्टी कमिश्नर जिले को दी गई। इस याददाश्त में कहा गया कि गरीब आवाम को दरपेश मसाइल को देखने वाला वहाँ कोई नहीं। नकायदी ने कहा कि मुतालिका अहदेदारों को चाहिए कि वो शहर के पसमानदा इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। गुरमिठल से हमारे नुमाइंदे साजिद खान की ये कार्य निर्वाहे मन की मेलकंड विषय के संबंधित संबंधी गुरमिठल तालूक ग्राम लेखिक ग्राम हम पंचनामे ग्राम के हम पशीलने इलियो रूम सदरी कोणी कुछ पंचनामे तैयार ग्राम मशासन जमीन वरस पटने नैजते बेदी जनर इवे दिनगटले कह ग्राम ग्राम हल्की हादसे जनर कष्ट समस्या अरीवे रैतर बेसत हमारे अलग भूमि केंद्र रैतर हण वसूली मातर हणस सर आगे वारस वटी वर्गवणि मशासन पंचायती रैतर अधिकारी हण वसूली अदर सदारी ग्राम लेखिकार ಮನೆಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ರೈತರ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾವು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ ಗುರುತಿಕ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में कत्ल व वारदात के लिए आम सी बात हो गई है। आज भी इस इलाके में दो अफराद को बरसरेआम घास काटने की दराफियों से एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा गया है, जिसमें एक शख्स रमेश शदीद तौर पर जख्मी हुआ है और हमलावर बालराज फरार हो गया। इतना मिलते ही एसीपी राजेंद्र नगर संजय कुमार और सर्कल इंस्पेक्टर कनकैया ने मौके पर पहुंचकर रमेश को अस्पताल में मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये तफसीली रिपोर्ट। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस। तेलंगाना कानून साज असेंबली में सरकारी मुलाजमीन की सुपुर्दोशी की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के हाथे में आज टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल सुरभि वानी देवी की कार का हादसा। और राजेंद्र नगर इलाके में कत्ल की वारदात, बरसरेआम दरातियों से दो शख्स ने एक दूसरे पर किया हमला। नाज़रीन आने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।